तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग आई होप यू गाइज आर फिट एंड फाइन तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि क्लास टेंथ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम एन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको दो एडवांटेज देखने को मिलेगा सबसे पहला कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के आ, से इंपॉर्टेंट है और दूसरा जब आप एन का एग्जाम देने जाएंगे तो उससे उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ पे एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी लिया हुआ है ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने वाले हैं कि एपी क्या होता है जिसे हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसके इससे हम कैसे सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है ठीक है तो सीक्वेंस के लिए हम यहां पर दो एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले गर्ल्स के लिए उसके बाद फिर बॉयज के लिए ठीक है तो गर्ल्स के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जैसे आप लोग को बचपन में पिगी बैंक मिले होंगे पेरेंट्स से पिगी बैंक मिले होंगे तो अगर आपको एक पिगी बैंक दिया जाता है और उसमें आपके फादर ने क्या किया सौ रुपए डाल दिए और उसके बाद बोला कि मैं हर एक दिन इसमें इस, इस पिगी बैंक में दस दस रुपए ऐड करते जाऊंगा ठीक है दस दस रुपए करते जाऊंगा तो देखिए अगर मैं इसको मैथमेटिकली ढंग से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं कि आप, आपके पिगी बैंक में स्टार्टिंग में क्या थे सौ रुपए थे दिख रहा है ठीक है स्टार्टिंग में आपने सौ रुपए वहां पे डाल दिए उसके बाद हर एक दिन डेली आपको दस रुपए वहां पे क्या करना है और डालना है ठीक है तो दस रुपए ऐड करते जाना है तो दूसरे दिन पहले दिन हमारे पास कितने रुपए होंगे सौ रुपए उसके बाद दूसरे दिन जब मैंने दस रुपए ऐड कर दिया तो हमारे पास कितने हो गए एक फिर तीसरे दिन हमने क्या किया और दस रुपए एड किए तो ये बन गया 120 कितने रुपए हो गए 120 उसके बाद एक और दिन हमने ऐड किया तो ये बन गया 130 तो ये हम ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे कि नहीं करते जाएंगे जब तक हमारा पीगी बैंक जो है पूरी तरह से फुल नहीं हो जाता है ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है इसमें एक फिक्स ऑर्डर को हम क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं कि पहले सौ था उसके दूसरे दिन क्या हुआ 110 हुए जब हमने दस रुपए डाले उसके तीसरे दिन क्या हुआ फिर दस रुपए डाले तो एक सौ बीस रुपए हुए फिर तीस चौथे दिन क्या हुआ फिर दस रुपए डाले तो एक सौ तीस रुपए हो गए ऐसे ऐसे आप लोग दस दस रुपए डालते जाएंगे तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि एक ऑर्डर एक फिक्स ऑर्डर से हमारे पास जो ये सीरीज बन रही है वो क्या रही है फिक्स ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो इसे हम क्या कहेंगे सीक्वेंस कहेंगे इसे हम क्या कहेंगे सीक्वेंस तो सीक्वेंस क्या होगा कि जब हम एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो करते जाते हैं तो वहां पर हमें जो ये सीरीज में हमें जो पैटर्न दिखाई देता है वो पैटर्न होता है हमारा सीक्वेंस का क्लियर हो गई बात अब दूसरी बात आती है बॉयज के ऊपर तो बॉयज लोग क्या होते हैं जिम जाने के बहुत शौकीन होते हैं ठीक है थीके? तो अगर कोई एक लड़का जिम जाता है उसने ये डिसाइड किया उसने ये डिसाइड किया कि मैं हर एक दिन अपना जो पुशअप मारता हूं उसको क्या करूंगा टू टाइम्स ग्रेटर करूंगा या फिर दो गुना कर दूंगा हर एक वीन में हर एक वीक में क्या करूंगा जो भी पुशअप मारता हूं उसको मैं क्या कर दूंगा टू टाइम्स कर दूंगा बढ़ा दूंगा ठीक है तो मान लेते हैं जो लड़का है वो सबसे पहले दिन गया और उसने पांच पुशअप मारे उसने क्या कर दिए पांच पुशअप मारे उसके बाद उसने डिसाइड किया था मैं हर वीक में हर वीक में टू टाइम्स मतलब दो गुना कर दूंगा तो जब दूसरा वीक आया पहले वीक में उसने पांच पुशअप मारे फिर जब दूसरा वीक आया तो उसने कितने पुशअप मारे टू टाइम्स मतलब पांच, फाइव इंटू टू, कितना हो जाएगा टेन। ठीक है फिर तीसरा वीक जब आया तो उसने 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 फिर फिर बोला क्या किया था कि तीसरे उसने ये डिसाइड कर दिया था कि उसका जितना भी वीक आएगा उसमें वो टाइम्स करते जाएगा तो अब देखिए टेन का टू टाइम्स करेंगे तो ये ट्वेंटी बन जाएगा बन जा रहा है फिर चौथा वीक आया तो हम फिर ये क्या बन गया ये फोर्टी बन गया तो ऐसे ये क्या कर रहा है ऐसे ये अपना जो ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहा है जिसने डिसाइड किया था वो फॉलो कर रहा है कि नहीं पहले वीक में पांच उसके दूसरे वीक में दस फिर तीसरे वीक में बीस चौथे वीक में चालीस ऐसा किया समझ में आ रहा है तो ये भी क्या आ रहा है फिक्स ऑर्डर को फॉलो करते जा रहे हैं उसने क्या बोला था उसने ये डिसाइड किया था कि मैं हर वीक में दो मतलब दो गुना कर दूंगा पुशअप तो ये दो गुना हो गया हो गया कि नहीं तो ये भी ये क्या कर रहा है फिक्स ऑर्डर को पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो इसे हम क्या सकते क्या कह सकते हैं सीक्वेंस कह सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं सीक्वेंस समझ में आ गई बात क्लियर हो गई अब ये जो सीक्वेंस होता है वो दो तरीके से हो सकता है एक होता है इनडेफिनेट सीक्वेंस दूसरा होता है इन एक होता है इनफेनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है डेफिनाइट डेफिनेट सीक्वेंस तो डेफिनेट हम किसको बोलेंगे डेफिनेट मतलब एक फिक्स जो सीक्वेंस है मतलब ये पांच फिर दस फिर बीस फिर चालीस मतलब ये चालीस में रुक गया ठीक है चौथे वीक में ये क्या कर दिया इसने गिव अप कर दिया कि भाई मैं इतना ही कर पाऊंगा तो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया तो ये हमारे पास एक डिफाइन सीक्वेंस है मतलब ये हमें पता है कि ये मैक्सिमम कितना मारेगा चालीस मार देगा ठीक है तो ये क्या है एक डिफाइन ठीक है डिफाइन सीक्वेंस है तो इसे हम क्या बोलेंगे डिफाइन सीक्वेंस समझ में आ रहा है लेकिन जब मैं पिगी बैंक की बात किया था तो इस पिगी बैंक में क्या हो रहा है हर एक दिन दस दस रुपए ऐड हो रहे हैं ठीक है तो ये कहां तक जा रहा है इन्फाइट जब तक ये क्या होने जाता हमारा जो पिगी बैंक है पूरी तरह से भर नहीं जाता तो इनफाइट हम कर होता है, वो क्या होता है? को बता रहा है तो एक होगा सीक्वेंस और दूसरा होगा इनफेनाइट ये बात समझ में आई तो ये हमारा था सीक्वेंस अब जब ध्यान से देखेगा अब ये जो सीक्वेंस है अगर एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो करता है अगर एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो करता है तो इस ऑर्डर को फॉलो करने को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन ठीक है अगर ये जो सीक्वेंस है वो एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो ये जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन क्या बोलेंगे प्रोग्रेशन ठीक है इसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे अब ये जो प्रोग्रेशन होता है वो तीन तरह का होता है पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दूसरा होता है हमारे पास कौन कौन सा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने वाले हैं कि एपी जो अरिथमेटिक का शॉर्टकट हम बोलते हैं कि ये जो एपी है वो होता क्या है ठीक है उसके बाद हम जानेंगे कि एपी के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि एपी क्या होता है ठीक है तो चलिए देखते हैं ये पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहां पे आपको समझा देता हूं कि एपी होता क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है ध्यान से देखते जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जब ऐसा सीक्वेंस कि ऐसा सीक्वेंस जो कि एक फिक्स नंबर से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है एक ऐसा सीक्वेंस जिसे हम क्या करते जाए एक फिक्स नंबर को एड या फिर माइनस करते जाए तो वो हमें क्या दे एक प्रोग्रेशन दे तो उसे हम क्या बोलते हैं मैटिक प्रोग्रेशन देखते हैं ठीक है देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर मैं बोलू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव डॉट डॉट एन नंबर ठीक है तो यहां पे देखिए आप हमारे पास जो फर्स्ट आ रहा है वो क्या है वन है अब इस वन में मैं क्या कर रहा हूं एक फिक्स नंबर फिक्स नंबर मतलब एक वन से कर रहा फिक्स नंबर पे क्या होगा वन मतलब अगर इस वन में जो फर्स्ट टर्म है इसमें मैं वन कर दू, तो क्या बन जाएगा फोर बन, तो बन, बन, तो बन, बन जाएगा ऐसे ही कहां तक एन तक जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें एक फिक्स नंबर को हम ऐड करें इंक्रीज एड करें या फिर डिक्रीज करें तो वहां से हमें क्या मिलता है जो भी सीरीज देखने को मिलती है वो होगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हो गई बात समझ में आया अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ध्यान से देखिए हम क्या क्या टर्म यूज करेंगे तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म ठीक है फर्स्ट जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म होगा इससे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे स्मॉल स्मॉल से a से किससे डिनोट करेंगे हम उसको ऐड करते जाएंगे तो उस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं उस फिक्स नंबर को बोलते हैं स्मॉल डी और ये जो स्मॉल डी होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस समझ में आया अब इस केस में अगर मैं पहले क्वेश्चन पहले केस की बात करूं एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात करूं तो इस केस में हमारे पास फिक्स नंबर कौन सा दिख रहा है फिक्स नंबर दिख रहा है कि जब वन में मैं वन को ऐड किया तो टू बना टू को जब मैं थ्री से ऐड किया तो थ्री बना थ्री को जब मैं वन के साथ ऐड किया तो फोर बना ऐसा ही है तो यहां पे फिक्स नंबर क्या दिख रहा है वन दिख रहा है मतलब डी की वैल्यू यहां पे क्या बन गई वन बन गई ठीक है ऐसे ही हमें पहचानना है जब हमारे पास सीरीज रहेंगी ना तो उन सीरीज को हमें यहाँ पे पहचानना है कि हमें वहां पर ए क्या है और वहां पर डी क्या है ये दो टर्म हमें अरिथमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है यही दो टर्म से पूरा अरिथमेटिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है समझ में आया अब इस डी को हम कुछ और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डी क्या है तो आप क्या करेंगे जो हमारा सेकेंड टर्म होगा जो हमारा ये सेकेंड टर्म है ये हम क्या बोलते हैं इसको हम टी टू बोल देते हैं और ये क्या है इसको हम फर्स्ट टर्म बोल देते हैं ठीक है तो हमें जब कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं जो सेकेंड टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म के साथ में माइनस कर देते हैं हमारा कॉमन डिफरेंस निकल आएगा सिंपल सी बात है अगर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे ये हमारे पास जो सेकेंड टर्म है इसको फर्स्ट टर्म के साथ में माइनस कर देंगे सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म के साथ माइनस कर देंगे जैसे ही माइनस करेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इसी केस में देख लेते हैं टू को जब मैं वन के साथ माइनस करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी वन वही हमारा देखिए कॉमन डिफरेंस क्लियर हो गई बात ठीक है अब इसके जनरल टर्म की बात करते हैं जनरल एक टर्म आएगा जनरल जनरल टर्म ठीक है इस जनरल टर्म को हम बोलेंगे टी एन मतलब क्या कि यहां पर अगर हमारे पास लास्ट में एन टर्म है कोई ऐसे सीरीज बोल दी कि वन टू थ्री फोर फाइव सब कहां तक हमें इसको क्या करना है एड करना है एन टर्म तक एड करना है ठीक है और ये जो होगी हमारा जनरल टर्म और ये जो जनरल टर्म होगा उसको ध्यान से देखेंगे ये जो टी एन है ये जो हमारे पास क्या है टी एन है अब देखिए इस टीएन को हम कैसे कर सकते हैं यहां पर देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है ठीक है ये फर्स्ट टर्म है तो इस टी को हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी यही हमारा क्या हो जाएगा एंथ टर्म का फॉर्मूला है ये क्या है एंथ टर्म का ये क्या है फॉर्मूला है ठीक है ये किसका फॉर्मूला है एंथ टर्म का अगर ऐसे एक क्वेश्चन में बोलेगा कि आठवा टर्म हमारे पास इतना है ठीक है वन जीरो टू टर्म्स हमारे पास इतने हैं तो हम उसको हम कैसे फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे ठीक है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टी एन क्या हो जाएगा

इस पूरे टर्म को अगर हमें ऐड करना है तो उस एड करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी ध्यान से देखते जाएंगे ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं पूरे टर्म को ऐड कर रहे हैं ना तो देखिए ऐड करने के लिए हम जो यहाँ पर जो हमारा सम क्या करेंगे सम करेंगे ऐड करना मतलब सम करना तो सम करेंगे तो उस सम को हम डिनोट करेंगे एस एन से मतलब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सम करने जा रहे हैं तो कहाँ तक करेंगे हम एनथ टर्म तक करेंगे तो एन के लिए हो जाएगा हमारे पास एस एन और ये जो एस एन होता है इसकी वैल्यू होती है हमेशा ध्यान से देखते जाएंगे एन बाई टू क्या वैल्यू होती है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी क्या हो जाती है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखेंगे एस एन इक्वल एन बाई टू तो हमारा एन बाई टू ही रहेगा अब देखिये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी लिखू क्या लिखू ए A A तो क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है और ए प्लस एन माइनस वन डी हमारा क्या है एंथ टर्म मतलब लास्ट टर्म है तो क्या मैं इस एस एन को ऐसा लिख सकता हूं एन बाई टू फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ठीक है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा और ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी या फिर एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म या फिर लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ठीक है इतनी बातें हमें यहां पे अभी समझने की है ठीक है अभी वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम इतनी बातें अगर समझ जाएंगे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है हमें क्या याद है हमें याद रखना है जो हमारा एंथ टर्म होता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी और उसके लिए फॉर्मूला ये, ये है और एक फॉर्मूला यहाँ पे है कि एस एन इकोस टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्लियर हो बात ये हो गया हमारा प्रोग्रेशन